ये अभी घर में भी पानी है, देखो पूरा रोड तक पानी ही पानी है। आप देखो रोड तक पानी ही पानी है, हर तरफ बस पानी है। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। सो आज है विजयदशमी और आज होने वाला है सभी प्रतिमाओं का विसर्जन। सो आप सभी को भी विजयदशमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो इधर अभी मम्मी बैठी हुई है, विष्णे हैं और आर्यन है। अभी क्या होता ना कि आज है विजयदशमी, सभी को जाना तो है मंदिर, बट हो रही है बारिश, बहुत खतरनाक वाली बारिश हो रही है, तो सब चीज़ स्पॉयल होके रखा है। और अभी भी कुछ चीज़ें प्रोसेस में लाई जा रही है कि कैसे क्या करना है, बट अभी श्योरिटी ही नहीं हो पा रही कैसे क्या होगा, कैसे विसर्जन होगा। सो हम सभी पानी रुकने का वेट कर रहे हैं और अभी हवन भी होना है आज मंदिर पे, तो हवन का भी वेट कर रहे हैं कि पानी रुकेगा तो ही हवन होगा। सो वी जस्ट वेटिंग कि हाँ पानी रुके तो अपन लोग जाएंगे हवन करने और मंदिर पर जाएंगे हवन करने। और इधर है नया दी, उसके कपड़े बहुत सारे हैं तो वो फ्रेश कर रही है। और ये है रॉकिंग गर्ल छवि, यो। तो इसलिए शी इज़ ऑल्सो वेटिंग कि हाँ सारी चीज़ें खत्म हो जाए, वी ऑल्सो वेटिंग। और बहुत ज़बरदस्त बहुत मज़ा आने वाला है, बिकॉज विसर्जन में भी हम सभी को बहुत आनंद आता है। मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि होली, दिवाली और कई सारे फेस्टिवल को एक साथ सेलिब्रेट करने का मौका मिलता है, वो है दशहरा, है ना? बिकॉज गुलाल खेलने को मिलेगा, सिंदूर से होली खेलने को मिलेगा और बहुत सारे पटाखे फोड़ने का मौका मिलेगा। मतलब ये सारे चीज़ें होंगी, तो बहुत धमाल होने वाला है। और अपन दोनों सभी जाने वाले हैं विसर्जन में, हम भी जाएंगे। मतलब शी विल आल्सो गो, मतलब पास ज्यादा दूर तक नहीं जाएंगे, मामा के साथ में नहीं जाएगी, कह रहे थे मामा के साथ में नहीं जाएगी, बिकॉज मामा भी खुद नहीं जाते विसर्जन में। ऐसा नहीं है, बस जो ऐसे घुमाते हैं हमारे सिटी में सारी प्रतिमाओं को इकट्ठा किया उसको ऐसे घुमाया जाता है, राउंड अप किया जाता है, तो उस समय के लिए अपन लोग जाते हैं, थोड़ा डांस वांस करते हैं, मस्ती दिखाऊंगा मैं आपको कि ऐसा क्या हो रहा है। सो अभी चलते हैं साथ में, तो अभी मंदिर पर जाना है तब तक के लिए देखते हैं क्या चल रहा है। यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं कैसे क्या करना है, जैसे बात कर रहे हैं कि हवन भी अभी नहीं हुआ तो हवन भी करना है हम सभी को जाके। अच्छा भी बैठी है, अच्छा आज की ब्लॉगिंग ना अच्छा भी करने वाली है सारी। यस मैं तो बस ऐसे मतलब बैक कैमरा रहूँगा। अरे इसने वैसे जमाई बात करेंगे, हवन करेंगे, इसने ऐसे ही हवन करने वाली है। तो नाउ अभी अपन लोग जाने वाले हवन कर रहे हैं। तो मैं छवि आ रही हूँ और चेतन आ रहा है ऑफिस से, बिकॉज अभी उसकी छुट्टी हो चुकी होगी, हाफ टाइम था उसका, वो भी आ रहा है। अपन सभी जाने वाले हवन करने, तो हवन करके आते हैं, कुछ खा पी लेते हैं, बिकॉज खाना भी नहीं खाया अभी हम लोग। द फाइट इज ओवर एंड द विनर इज सचिन चौहान। मेरा अनदर नेम है सचिन चौहान, मैं उनको बता रही हूँ। छोटे मामा आ गए हैं, एज यू कैन सी एकदम गीले होके आए हैं, बारिश बहुत तेज हो रही है, दैट्स व्हाई सब कुछ डिले हो रहा है, कैंसिल हो जाएगा। मौसम कितना मस्त वाला हो गया, पानी गिर रहा है इतना जबरदस्त, सो मैं भीग रहा हूँ, आप देख सकते हैं इतना ज्यादा वाला। सो गाइस एक्चुअली क्या है ना कि आज जैसे कि हमें पता है कि विसर्जन होने वाला है, सो हमारे घर पे भी जो ऐसा है ना कि मूर्ति टूट गई है या फिर जो विसर्जन के लायक मूर्तियां पुरानी हो गई हैं, तो वो सब हम लोग अभी इकट्ठा कर रहे हैं और ये सभी मिलकर हम लोग देख रहे हैं। काफी मूर्तियां इकट्ठा भी हुई है, बहुत पुरानी पुरानी है, तो ये पूरा झोला ऐसे भर गया है उससे, तो ये माता जी के साथ में सारा विसर्जन हो जाएगा। जब मेरे लल्ला का बहुत सारे पुराने कपड़े भी हैं जो वो नहीं पहनते, उन सभी को हम विसर्जन कर देंगे अयोध्या पे। तो अभी मामा लोग जा रहे हैं हवन करने, मामा माफी सभी। सो गाइस अभी जो है ना फाइनली विसर्जन की तैयारी ऑलरेडी चल रही है। ऑलमोस्ट चीजें चल रही है, अभी बारिश रुक नहीं रही है, अभी भी स्टिल बारिश हो रही है। और अभी अपन लोग गए थे हवन करने, तो हवन करके तो अपन लोग आ गए और पुलिस प्रोटेक्शन भी आई हुई है, वो भी बोल रहे हैं कि मूर्ति को जितना जल्दी हो ऐसे बारिश में उठाओ, आप जिस ट्रक पे ले जाना है या जिस डाले पे ले जाना है वहाँ पर ऊपर पन्नी छा दो ताकि मूर्ति ना भीजे, बट आपको मूर्ति विसर्जन आज ही करनी है, बिकॉज यहाँ डिसीजन हो रहा है कि आज नहीं उठेगी, बिकॉज अभी बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो कल उठाएंगे, बिकॉज एकादशी को भी उठा सकते, तो
अभी अब मैं मंदिर पे ही था, मंदिर से जस्ट आया हूँ और अभी भी जा रहा हूँ मंदिर पे, देखता हूँ जैसा क्या हो रहा है, काम कैसा होगा, वैसे करेंगे। सभी हवन करके आ गए और आगे आपको दिखाते हैं कैसे क्या होने वाला है। सो लाइन सो हमारे साथ बने रहिएगा, बिकॉज अभी शायद हो सकता है कि भीगते हुए विसर्जन करने में जाना पड़े। जैसा भी होगा मैं आपको बताता रहूँगा, दिखाता रहूँगा जब तक के लिए। हेलो गाइस, एंड क्या हुआ ना, अभी क्या ना प्लान सारे चेंज हो चुके हैं और द बेस्ट न्यूज ये है, और बेस्ट न्यूज यहाँ के आज का बेस्ट न्यूज ये है ना कि आज मतलब मैं इतना बड़ा हो गया, मेरे इतने साल इतने टाइम में ना आज तक ऐसा नहीं हुआ है। मतलब आप जो विसर्जन होना था आज वो कल होगा, वो एकादशी के दिन हो गया, बिकॉज पोस्टपोन हो चुका है, बिकॉज बारिश अमेजिंग वाली बारिश हो रही है और रुकने का नाम नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्टिल बारिश हो रही है, तो बारिश रुकने का नाम नहीं रही, इसलिए जो विसर्जन होगा वो कल होने वाला है। मतलब ठीक है, आज का धमाल से, और ऐसा नहीं है शायद, मैं अपन लोग ऐसा सोच रहे, मतलब हम लोग ऐसे बात डिस्कस कर रहे थे कि शायद माता रानी भी खुद नहीं जाना चाहती ना, उनका भी इच्छा नहीं है कि आज वो जाए। साल के बाद माता रानी आई है, अच्छे से उनका त्योहार मनाया गया, इसलिए वो जाना नहीं चाहती, इसलिए भक्तों से बहुत प्रेम। मतलब इसने सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाई, लिटिल भी, बट एक्चुअली उसके कहने का मोटिव इतना है कि दो साल बाद कोविड चला रहा, सही से हो नहीं रहा था, तो दो साल बाद बहुत अच्छे से हम लोगों ने सेलिब्रेट किया दुर्गा पूजा को, सो इसलिए माता ने जाना नहीं चाहती है, वो एक दिन और अपने प्रेमियों के बीच, अपने भक्तों के बीच रहना चाहती है, तो इसलिए बारिश कंटिन्यू हो रही है और रुकने का नाम दरबार की। सो अपन लोग अभी जा रहे हैं, क्या हो ना, अभी जो यहाँ पे जाली है उस पर पानी डालेंगे, पन्नी डालेंगे, मतलब जाली पे पन्नी डालने वाले, इस पर पन्नी डालेंगे, बिकॉज जिससे हम लोग का आंगन जो है ना वो सेफ थोड़ा हो जाए, आंगन सेफ नहीं हो पा रहा है, बहुत दिक्कतें हो रही है, पूरा हर तरफ भीगा भीगा है, तो इसलिए अभी जल्दी डलाते हैं पन्नी जाली पर, उसके बाद जाते हैं नीचे। तो लेट्स स्टार्ट। अभी ऐसे लग गया है, अभी आंगन में पानी रहेगा, तो इसका बेनिफिट यही है, अभी आप लोग आंगन खींच देंगे तो आराम से आप लोग इधर उधर जा सकते हैं पूरे घर में, तो चलो अभी चलते हैं, बाय। आर्यन को तो देखो, देख सकते हैं आप, अभी मामा जो है वो हमारे आंगन खींच रहे हैं, काफी मेहनत भरा काम कर रहे हैं, वैसे तो करते नहीं है लेकिन आज कर रहे हैं, पता नहीं कैसे। और मेरी मम्मी जी इनको कुछ बता रही हैं तो वो कर रहे हैं, डायरेक्शन दे रही हैं, खुद नहीं कर रही हैं। यू कैन सी, ये दिखाओ, ये हमारे ये है दशहरा बनाया गया है घर में आज। चलो आपको दिखाता हूँ गाइस, क्या जबरदस्त पानी है, इवन आज तक रिकॉर्ड है कि अपन लोग गली में पानी नहीं आता था, बट अभी ना गली में पानी है। सी ये अभी घर में भी पानी है, देखो पूरा रोड तक पानी ही पानी है। सो गाइस, आप देख सकते हैं घर में इतना पानी भरा है कि भाई को लगा क्या है काम पे पानी निकालने में। सो गाइस, जो आज का ब्लॉग है ना हम यही समाप्त करने वाले हैं। एक्चुअली क्या हुआ ना कि पूरा टाइम बहुत बारिश हुई और इसलिए आज विसर्जन नहीं हुआ, तो विसर्जन कल होगा, सो दैट्स व्हाई। और घर में भी पानी भर गया था तो उसको भी मैंने साफ वाफ किया कैसे करके, मतलब काफ़ी मेहनत करना पड़ा, इसलिए आज के जो ब्लॉग को है ना, आज के ब्लॉग को हम यहीं समाप्त करें। होप्स आपको वीडियो पसंद आई, और चैनल पर नए हो तो हमें सपोर्ट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वी बैडली नीड यू सपोर्ट, सो प्लीज़ गाइस सपोर्ट अस, एंड वी ऑल्सो वॉन्ट टू जस्ट डू समथिंग एंड, सो प्लीज़ सपोर्ट अस। तब तक टेक केयर, कीप स्मिलिंग, टाटा, सी यू, गुड नाइट।